नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, देश का सबसे बेहतरीन कुकिंग शो मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 सोनी टीवी पर फिर से शुरू हो चुका है। अगर आप ये शो देख रहे होंगे तो अब तक आप 78 साल की महिला उर्मिला आशर यानी उर्मिला बा को जान गए होंगे। उर्मिला बा अब मास्टर शेफ इंडिया में आई है और उनके द्वारा बनाए गए डिश ने मास्टर शेफ इंडिया के शेफ रणवीर बराड़, गरिमा अरोड़ा और विकास खन्ना को बहुत प्रभावित किया है। 78 साल की उर्मिला बा की कहानी लोगों को प्रेरित करने वाली है। बहुत ही कम उम्र में पति और 3 बच्चों को खोने के बाद भी उर्मिला बा ने हिम्मत नहीं हारी। आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर होने के बाद भी वो बिजनेस वीमन बनी और गुज्जू बेन्ना नाश्ता नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती है। 78 साल की उम्र में उर्मिला बा ताकत और लचीलेपन को अपने में समेटे देश की हर हाउसवाइफ और घर में रहने वाली महिलाओं के लिए एक मिसाल है। उर्मिला बा का अब मास्टर शेफ बनने का सपना है। उर्मिला बा यानी गुज्जू बेन्ना नाश्ता फूड ऐप पर भी हॉट सेलर है। उर्मिला बा ने अपने घर के गली के कॉर्नर पर गुजराती स्नैक्स स्टार्टअप गुज्जू बेन्ना नाश्ता स्टोर खोला है। इस स्टोर पर ड्राई नाश्ता मिलता है। वे सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लगातार काम करती है। 78 साल की उम्र में घर भी इसके साथ साथ चलाती है। सबसे पहले उन्होंने देसी आचार से अपना बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद वे थेपला, ढोकला, पूरनपोली, हलवा, साबुदाना खिचड़ी बनाने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला बा हर महीने 5 लाख रुपए कमाती है। उर्मिला बा की जिंदगी शुरुआत से ही संघर्ष भरी रही है। 3 बच्चों को खोने के बाद वह अपना घर सालों से लोगों के घर में खाना बनाकर चलाती रहती है। उनकी 2.5 साल की बच्ची 3री मंजिल से गिर गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके एक लड़के को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, दूसरे को ब्रेन ट्यूमर था जिससे उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, उर्मिला बा के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।